तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि हार्ड डिस्क पार्टीशन को ऐड कैसे करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपके दिखा सकते हैं, हम हमारे में चार हार्ड डिस्क पार्ट चार है। इसे हमें डिलीट करना है न्यू वैल्यू ई को। तो चलिए हम आपको डिलीट करके दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर पर जाना होगा, फिर राइट क्लिक करना होगा, फिर मैनेज पे जाना होगा। जैसे मैनेज पे जाएंगे उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट दिख रहा है, इस पे जाना है। डिस्क मैनेजमेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जिस भी वैल्यू को डिलीट करना है, यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ई को डिलीट करना है। ई पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, यस। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनलॉक दिखाई दे रहा है। अब हम इसे जिस भी डिस्क से पार्ट किए रहेंगे उसी डिस्क में ऐड कर सकते हैं, और किसी डिस्क में ऐड नहीं कर सकते। जैसे देखिए, अगर हम सिम ऐड करना चाहें तो यहाँ पे एक्सटर्नल वैल्यूम का ऑप्शन नहीं ओपन शो कर रहा है। इसे हमने डी से पार्ट किया था तो हम इसे डी में, देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल वैल्यूम का शो कर रहा है। तो हम इसे इसमें नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट, फिर फिनिश। देख सकते हैं आप, हमारा वो जो अलग से था इसमें ऐड हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे में तीन चार था, तीन है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको मोबाइल्स या लैपटॉप से जुड़े कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।